10 बहाने जो आपको सफल होने से रोकते हैं। दुनियाओं में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अमीर बनना नहीं चाहता, जो सफल होना नहीं चाहता? हम में से लगभग सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। पर क्या सभी लोग सफल हो जाते हैं? क्या सभी लोग अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब ज्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि सिर्फ कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं? आखिर सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है? ऐसे कौन से कारण, कौन सी वजहें हैं जो आपको सफल होने से रोकती है? अगर सफल लोगों के बारे में बताना हो तो जो लोग सफल हैं या सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वे अपना कोई भी कार्य टालते नहीं हैं या कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। सफल लोग कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। वे लगन के पक्के तथा दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है। वे लोग किसी भी परिस्थिति के लिए या कोई भी समस्या आने पर किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं और न ही कोई बहाना बनाते हैं। जबकि असफल लोगों की सबसे बड़ी बीमारी ही बहाने बनाना होती है। असफल लोग अपनी असफलताओं के लिए कभी भी खुद को दोषी नहीं मानते। वे हमेशा परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए या फिर अपने मन को बहलाने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने गिनाते हैं कि वे असफल क्यों हुए, ताकि दूसरों के सामने यह साबित कर सकें कि उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थीं। दरअसल वे बहाना बनाकर खुद को धोखा ही दे रहे हैं और अपने भविष्य के लिए ऐसी नींव रख रहे हैं जो उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप असफल नहीं होना चाहते और वाकई में सफल होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा और यह मानना होगा कि अपनी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार आप ही हैं, कोई और नहीं। यहां मैं 10 ऐसे बहाने बता रहा हूं जो अक्सर ही लोग बनाते हैं, और उन्हें दूर करने के उपाय और उदाहरण भी बता रहा हूं। बाऊ, ये बहुत मुश्किल काम है, ये काम मुझसे नहीं होगा। कभी कभी हम काम को शुरू किए बिना ही ये मान लेते हैं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम मुझसे हो ही नहीं सकता। ऐसा कहने से काम और मुश्किल लगने लगता है और फिर या तो शुरू ही नहीं होता, और अगर शुरू हो भी गया तो पूरा होने से पहले खत्म भी हो जाता है। तो दोस्तों, बहाना बनाना छोड़िए, और कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, हमेशा कहे कि ये काम तो बहुत आसान है, इसे तो मैं आसानी से कर लूंगा। फिर मेहनत और लगन से काम को कीजिए, फिर देखिए काम कितना आसान लगने लगता है। एग्जाम्पल, विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनियाओं की सबसे तेज धाविका बनूंगी। और एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनियाओं की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और न ही अपने सपने को मुश्किल बताया, बल्कि उसने परिस्थितियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया। 2, मैं योग्य नहीं हूं या मेरे पास योग्यता नहीं है। जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं या मेरे पास इस कार्य को करने की योग्यता नहीं है, वे लोग दरअसल अपने आप से 2 बात कह रहे होते हैं। या तो वे अपनी योग्यता को बहुत ही काम आंक रहे हैं, या फिर वे उस क्षेत्र में सफल लोगों की योग्यता को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। दोस्तों, कभी भी ये बात मायने नहीं रखती कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है या कितनी योग्यता है, बल्कि हमेशा ये बात मायने रखती है कि आप अपनी बुद्धि योग्यता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए कभी भी उच्च शिक्षा, डिग्री, डिप्लोमा जरूरी नहीं होती। सफल होने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है अपने हुनर, अपनी खूबी की पहचान करके उसे तराशना। तो दोस्तों, योग्यता का बहाना बनाना छोड़िए और अपने हुनर, अपनी खूबी, अपने अंदर छुपी किसी खास कला गुण को पहचानिए और उसे तराश कर अपनी योग्यता बनाइए। एग्जाम्पल 1, कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। उनके पास कोई उच्च शिक्षा या कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन मशीनों में रुचि होने के कारण उन्होंने अपने दिमाग को मैकेनिकल क्षेत्र में लगाया और एक कार कंपनी के मालिक बने। थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन वे इससे परेशान नहीं हुए। उनकी रुचि विज्ञानम में थी और अपनी इसी रुचि की बदौलत
उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनियाओं को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। मैं पहले भी असफल हो चुका हूं या मैं बार बार फेल हो चुका हूं। एक ये बहाना भी लोगों को आगे कोशिश करने से रोकता है। एक दो बार या कई बार असफल होने से लोग यह मान लेते हैं कि वे अब कभी भी सफल नहीं हो सकते और आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले कभी असफल हुए हैं या बार बार असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारियों में कमी रही है, कहीं ना कहीं आपकी लगन, मेहनत, एकाग्रता या आपके दृढ़ संकल्प की ही कमी है। इसीलिए सकारात्मक होकर अपनी कमियों का पता लगाएं, उन वजहों का पता लगाएं जिनके कारण आप बार बार असफल हो रहे हैं, फिर उन कमियों वजहों को दूर करके एक बार फिर सकारात्मक होकर पूरी मेहनत, लगन व दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा कोशिश करें और तब तक करते रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाए। एग्जाम्पल 1, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने लगभग 999 बार फेल होने के बाद बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दिनों में लगभग 17 फ्लॉप के बाद स्टार बने थे। 4, मेरी तो किस्मत नसीब खराब है। ये भी एक पॉपुलर बहाना है जो अक्सर लोग बनाते हैं। जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं या वो जो चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिल पाता है तो वे अक्सर ही अपनी किस्मत को दोष देते हैं। एग्जाम्स में फेल हो गए तो मेरी किस्मत खराब है, लड़के या लड़की ने छोड़ दिया तो मेरी किस्मत खराब है, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो मेरी किस्मत खराब है, या बिजनेस में लॉस हो गया तो मेरी किस्मत खराब है, आदि आदि। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके किसी भी क्षेत्र में फेल होने में आपकी किस्मत का हाथ है? मैं ऐसा नहीं सोचता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। अरे यारो, जरा सोचो कि अगर इसमें आपकी किस्मत का दोष होता तो आप यहां तक पहुंचते ही नहीं जहां आप आज हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने ही नहीं जाते, कोई लड़की या लड़का आपकी जिंदगी में आता ही नहीं, आप बिजनेस करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ, झुग्गी, झोपड़ियों, जंगलों में बिना कुछ किए और बिना कुछ देखे ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आप उनसे तो बेहतर हैं। तो दोस्तों, किस्मत का बहाना बनाना बंद कीजिए और पूरी तैयारियों, मेहनत, लगन व दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुट जाइए। डियर फ्रेंड्स, किस्मत को दोष ना देकर अपनी किस्मत खुद बनाओ, अपनी किस्मत खुद लिखो। एग्जाम्पल, दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब न्यूटन मात्र 3 वर्ष के थे तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। 15 वर्ष की अवस्था में न्यूटन के सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। 19 वर्ष की अवस्था में न्यूटन को एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन बहुत जल्दी ही वह लड़की उन्हें छोड़कर चली गई। इसके बाद न्यूटन ने कभी शादी नहीं की। अब आप समझ सकते हैं कि जन्म से ही मुसीबतों, समस्याओं का सामना करने वाले न्यूटन ने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि उन विषमताओं से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया और एक महान वैज्ञानिक बने। 5, मेरे पास समय नहीं है। ये भी एक मजेदार बहाना है जिसे आप लोगों से अक्सर सुन सकते हैं, और देखो लोग कितने मजेदार तरीके से इस बहाने को बनाते हैं। यार, मैं अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर मेरे पास समय नहीं है। मैं सफल तो होना चाहता हूं, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं, अपना बिजनेस करना या बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। यानी कि अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। हाउ फनी इज दिस फ्रेंड्स, मेरे, आपके, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, बिड़ला, रतन टाटा आदि सभी के पास बराबर समय है। सभी के पास 1 साल में 365 दिन, 18,760 घंटे, 585,600 मिनट, 300,86,000 सेकंड हैं। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे 1440 मिनट 18,400 सेकंड होते हैं। बस सफल और असफल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने समय का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, वे अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल, उड़न सिंह के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह को
जब अपनी तैयारी करने के लिए दिन में पर्याप्त समय नहीं मिलता था तो वे रात को अपनी तैयारी करते थे। जब सब सोते रहते थे तो वे रात रात भर दौड़ते रहते थे। 6. मेरे पास पैसा धन नहीं है, ये एक थोड़ा सा जेन्युइन बहाना लग सकता है क्योंकि पैसे की कमी ज्यादातर लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी ये एक बहाना ही है क्योंकि पैसे की कमी कभी भी आपको किसी भी क्षेत्र में सफल में होने से नहीं रोक सकती। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, भविष्य की योजनाएं बिल्कुल साफ हैं, तो बस शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, सभी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाएंगी। Example 1, दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के पास एक समय अपने लिए जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के जुनून ने उनकी पैसे की इस कमी को कभी आड़े नहीं दिया। जब NR नारायण मूर्ति ने इंफोसिस की शुरुआत की थी, तब उनके पास भी धन नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े थे। आज इंफोसिस IT के क्षेत्र में टॉप पर है। 7. उम्र का बहाना। मेरी उम्र बहुत कम या बहुत ज्यादा है, उम्र का बहाना बनाने वाले भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, या अभी मेरी उम्र इस काम को करने के लिए बहुत कम है, मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता। या कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई सपना देख लिया है और आप रियली उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो फिर उम्र का बहाना क्यों? आप सही तैयारियों के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दीजिए। उम्र कभी भी आपके सपने पूरे करने से या आपको सफल होने से नहीं रोकती है, बस अपने काम करने के तरीके को और अपने सोचने के नजरिए को सकारात्मक रखिए। Example 1, दुनिया के सबसे कम उम्र के CEO के नाम से जाने जाने वाले बंगलुरु के रहने वाले सुहास गोपीनाथ ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही IT कंपनी ग्लोबल्स INC की शुरुआत कर दी थी और दुनिया के सबसे कम उम्र के CEO बने थे। आज उनकी उम्र 29 साल है और उनकी कंपनी एक multi-million-dollar कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस देती है। सुहास गोपीनाथ के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें। KFC केंटकी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट चेन के मालिक कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 62 वर्ष की उम्र में की थी। आज KFC के 118 देशों में 1875 आउटलेट्स हैं। 8. मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता है। ये बहाना भी ज्यादातर लोग बनाते हैं कि मुझे मेरे परिवार या दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई कहता है कि इस काम को करने के लिए मेरा परिवार राजी नहीं होगा या मेरे पिता नहीं मानेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके सपनों में वाकई जान है, अगर आपका लक्ष्य सोच समझकर बनाया गया है, अगर आपका सपना या लक्ष्य वाकई ऐसा है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं और उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा और वो लोगों की भलाई के लिए है, तो बिल्कुल भी देर मत करिए। अपने परिवार वालों से, दोस्तों से अपने सपने के बारे में बताएं, अपनी तैयारियों के बारे में बताएं, अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। अपने सपने को पूरा करके आप कितना खुश होंगे उस खनुशी के बारे में बताएं। अपने सपने को पूरा करके आप किस बुलंदी पर होंगे उसके बारे में बताएं। यकीन मानिए, आपका परिवार, आपके दोस्त आपकी खनुशी चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं। वे आपकी बात जरूर मानेंगे और आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर फिर भी ऐसा होता है कि आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि आप सही हैं और आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो सब कुछ भुलाकर अपने दिल की सुनें और अकेले दम पर अपने सपनों को पूरा करें और सबको दिखा दें कि आप सही थे। एग्जाम्पल, फुटवेयर बनाने वाली कंपनी लिबर्टी की शुरुआत एक दुकान से हुई थी। जब PD गुप्ता और DP गुप्ता ने हाथ से जूते बनाने शुरू किए तो घर वालों ने काफी विरोध किया था कि उच्च जाति का होकर जूते बनाने का काम करते हैं, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने घर वालों को अपने सपने के बारे में बताया और उन्हें मना लिया। आज लिबर्टी दुनिया भर में एक जाना पहचाना ब्रांड है जिनमें लगभग 19,000 कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में लिबर्टी के 407 आउटलेट्स हैं और आज यह 400 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 9. काम को टालना। कल या किसी और दिन कर लूंगा। इस बहाने को तो ज्यादातर सभी लोग बनाते हैं कि काम को कल या किसी और दिन कर लेंगे।
इससे होता यह है कि आपका काम या तो शुरू ही नहीं हो पाता है, और अगर शुरू हो भी गया तो टालने की आदत के कारण कभी पूरा नहीं हो पाता है। जो लोग काम को कल पर टाल देते हैं वे उसे कल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, काम को कभी भी कल पर मत टालिए, उसे आज ही करिए। क्या पता कल कुछ और नए काम आ जाए जिससे आप उस काम को कल कर ही ना पाए या कल परिस्थितियां ही बदल जाएं। 10. लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी डर से कोई काम नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, अगर मैं फेल हो गया या असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। इसीलिए अगर एक दो बार फेल हो भी जाओ तो निराश ना हो, क्योंकि लोग भी आपके जैसे ही आम इंसान हैं और आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि आपने कम से कम कार्य शुरू करने की हिम्मत तो दिखाई। तो दोस्तों, ये कुछ बहाने हैं जो लोग अक्सर ही बनाते हैं, जिनकी वजह से वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। मैंने बहानों और उन्हें दूर करने के कुछ उपाय और उदाहरण बताए हैं, और अपनी पूरी कोशिश की है कि ये आपके लिए लाभदायक हो। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, आप चाहे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हों, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, किसी बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हों, या आपका कोई सपना हो, उस काम को शुरू करने से पहले और शुरू करने के बाद में कभी भी बहाने ना बनाएं, बल्कि उस काम से, उस सपने से संबंधित संपूर्ण जानकारी जुटाएं तथा अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं। उसके बाद पूरी तैयारी, लगन, मेहनत और दृढ़ विश्वास के साथ सकारात्मक होकर अपने कार्य की शुरुआत करें, और तब तक लगे रहें जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, अपने सपने को हकीकत में ना बदल लें।